तो गाइस ये देख पा रहे हो यूनिकॉर्न है काफी ओल्ड मॉडल का। तो फ्रेंड्स इसमें क्या इशू है, जैसे कि जो अपना जो अगले ब्रेक लेयर होता है ना आगे का, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, जिस तरीके से ये देख सकते हो। ठीक है, ये डिस्क लगा हुआ इस तरीके से है पर काम करने लग रहा है, तो इस जगह पे जोर लग रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो जो कि इसका पहिया जो है वो भी प्रॉपर तरीके से पूरा इजी है, जो कि मैं दिखा दूं फ्रेंड्स वो बिल्कुल इजी है। अभी जाम हो चुका है, ज़्यादा दबाने पे क्या हो रहा है, जाम हो जा रहा है। अरे जाम हो गया, अच्छा इजी नहीं है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो काफ़ी जाम भी है। ठीक है, तो इसको इसका जो सोल्यूशन है, किस तरीके से सोल्यूशन इसका निकालना है, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, जैसे कि हम बताने वाले। तो अगर ये प्रॉब्लम होगा तो काफ़ी इंजन में भी काफ़ी लोड आएगा, काफ़ी इंजन में भी लोड आएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम बताने वाले हैं किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो चलिए पहले क्या करते हैं, जो लीवर होता है ना फ्रेंड्स, लीवर को हम खोल लेते हैं, क्योंकि जो पॉकेट होता है ना यहाँ का, जो डिक्स पॉकेट होता है वो बिल्कुल जाम हो चुका है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी प्ले नहीं है, और जैसे कि जो पहिया है, पहिया भी बिल्कुल जाम है। अभी देख पा रहे हो थोड़ा सा इजी हो चुका है, पर ये ज़्यादा जाम है। तो इसको करने के लिए हमको सबसे पहले जो ब्रेक लीवर है इसको खोलना होगा। चलिए इसको खोलते हैं पहले, फिर देखते हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो जो लीवर है, ब्रेक लीवर, उसको हमने खोल लिया, और जैसे कि देख सकते हो जो डिक्स पॉकेट है वो बिल्कुल अंदर में दबा हुआ है। ठीक है, वो रिटर्न नहीं आ रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, हम जब भी ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो जैसे कि देख सकते हो जो डिक्स पॉकेट है बिल्कुल जाम हुआ पड़ा है, और हमने क्या किया, जो ऑयल है ऑयल भी निकल दिया। चलिए क्या करते हैं, डिक्स पॉकेट को फाइनली बाहर को तरफ निकलते हैं। और निकलना कैसे, जैसे कि ये जो लॉक देख सकते हो, लॉक को खोलना होगा पहले। ठीक है, लॉक प्लस से लॉक को खोलना होगा, तभी ये बाहर आएगा। चलिए खोलते हैं और देखते हैं डिक्स पॉकेट का कंडीशन कैसा है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो जो डिक्स पॉकेट है वो हमने खोला है, और जैसे कि देख सकते हो अंदर में काफ़ी सारा कचरा भी भरा हुआ है। और जैसे कि ये है, मतलब इतना जाम हो गया था, उसको क्या करना पड़ा, जो इधर से 12 mm की बोल्ट है इसको खोल के उस साइड से ठोकना पड़ा, तब जाके ये बाहर की तरफ आया। जैसे कि ये देख सकते हो, ये जो क्या होता है फ्रेंड्स, जो रबर होता है ना वो रिंग, ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, उस वजह से क्या होता है ये जाम होने लगता है। तो हमको क्या करना है, इसको बढ़िया से वॉशिंग करना है, इसको वॉशिंग करने के बाद क्लीन करके बढ़िया से लगाना है, और इसको चेंज करना होगा। चलिए क्या करते हैं, नया लगाते हैं और फाइनली इसको नया क्लीन करते हैं बढ़िया से। तो गाइस हमने क्या किया, इसको बढ़िया से क्लीन कर लिया। ठीक है, अंदर में बढ़िया से क्लीन कर लिया इसको, जैसे कि देख सकते हो, और काफ़ी कचरा होता है। और ये हार्बर में कहता है, जैसे कि एक ये होल और एक बड़ा वाला होल, दोनों होल होता है इसके अंदर में गोल से जो बना हुआ, वो होल को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। अगर क्लीन नहीं रखोगे, अगर क्या होगा, क्लीन आएगा तो कंप्रेसर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली ये है बजाज का। ठीक है, और अपना गाड़ी जो है यूनिकॉर्न का, तो यही लगेगा अपना गाड़ी में। चलिए इसको लगाते हैं, मत भी देख लीजिए। चलिए फिर इसको फिट कर लेते हैं। अब ये जो पॉकेट है इसको लगाना है, जैसे कि देख सकते हो हमने क्या किया, ग्रीस लगाया काफ़ी अच्छी तरीके से। अब इसको डालना है बिल्कुल आराम से। ठीक है, जैसे कि ये डाल गया, और हम क्या करेंगे, इसको घुमा घुमा के अंदर की तरफ डालेंगे। चलिए बिल्कुल आराम से ये घुमा के डाल लेंगे, फिर ये अपने आप आ जाएगा। अभी देखियो किस तरीके से बढ़िया से वर्किंग कर रहा है, एक बार दिखा दो फ्रेंड्स। ये देख पा रहे हो फ्रेंड्स, देख पा रहे हो फ्रेंड्स, काफ़ी इजी भी है। चलिए अब करना हमको लॉक करना है, इसके साथ में एक लॉक आता है जो कि ये लॉक है। चलिए इसको लॉक कर लेते हैं हम। तो गाइस इसको अब क्या करना है, लगाना है। जैसे कि देख सकते हो हमने बढ़िया से फिटिंग कर दिया है, लॉक भी काट चुके हैं हम। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। ठीक है, और भी अच्छी तरीके से अगर क्लीन करते तो बढ़िया था, मगर उतना टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस हमने क्या किया, जो ऑयल होता है डिक्स ऑयल वो हमने डाला। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमको कंप्रेसर बनाना होगा। कंप्रेसर किस तरीके से बनाएंगे, जो स्क्रू ड्राइवर है वो हम डालेंगे यहाँ पर। डालने के बाद हम बिल्कुल धीरे धीरे पेस्ट करते जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब जो बबल्स आ रहा है देख सकते हो, जो बबल्स है फ्रेंड्स देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है, हमको मतलब प्रेस करते जाना है। ठीक है, बिल्कुल मतलब हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे करते जाना है इस तरीके से। ठीक है, फिर अपना कंप्रेसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से हमको प्रेस करते जाना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, करते जाना है तसल्ली से। ठीक है, तो क्या होगा, कंप्रेसर जो है वो आ जाएगा। कुछ बार क्या होता है टाइम लगता है, कुछ बार बहुत ही जल्दी पहुँच जाता है। चलिए हम इस तरीके से करते जाएंगे बिल्कुल आराम से। ठीक है, और ब्रेक लीवर लगा देंगे तो और टाइम लग जाएगा, ज़्यादा पेस नहीं हो पाएगा। तो हम इस तरीके से करते जाएंगे जब तक कंप्रेसर नहीं बनता। तो ये, और इस जगह से ऑयल बिल्कुल भी, मतलब
जो एयर होता है वो एयर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, मतलब इसको टाइट ही रखना चाहिए। अगर वो खोल दोगे फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जैसे है वैसे ही रहने देना होगा। चलिए इसको कर लेते हैं हम। तो गाइस हमने कुछ देर तक हमने प्रेस करने के बाद जैसे कि देख सकते हो बबल जो है वो चल चुका है और काफ़ी प्रेशर आ चुका है। ठीक है, देख सकते हो काफ़ी प्रेशर आएगा और जो अब हम इस तरीके से प्रेस करेंगे काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर की साइड आ रहा है, जैसे कि देख सकते हो, देख सकते हो फ्रेंड्स प्रेशर बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कैप होता है कैप लगाएंगे, जो एक ये छोटा वाला कैप होता है इसको लगाना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है कुछ बार जो जो फेंक रहा है ऑयल फेंक रहा है इसके मदद से वो रुकता है ऑयल को। चलिए इसको लगा लेते हैं और फाइनली अपना काम बन चुका है। चलिए आप क्या करते हैं लीवर वगैरह लगाते हैं और ऑयल डालते हैं, डालने के बाद हम देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो गाइस जैसे कि काम अपना हो चुका है, ठीक है पूरी तरीके से हो चुका है जैसे कि देख सकते हो, और प्रॉपर तरीके से है डिस्क भी जैसे कि देख सकते हो, बिल्कुल जाम नहीं है, काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी है जैसे कि देख सकते हो। ठीक है, अभी प्रॉपर तरीके से हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अगर कुछ जानकारी मिला है तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और इस वीडियो को भी लाइक दे देना, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर हो सके तो डिक्स का अगर कम करने टाइम तो कम अगर हो जाता है तो क्या करना, यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देना, ठीक है, क्योंकि जितना भी ऑयल गिरता है ना ये ऑयल काफ़ी खतरनाक होता है। तो क्या कीजिएगा, ऑयल जब कम हो जाएगा ऑयल को थोड़ा सा हमको साफ कर लेना, किस तरीके से पानी डाल देना इस पर। चलिए फिर हम पानी डाल देते हैं फाइनली। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।